गाइस स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में मिकी गेमिंग की। और गाइस आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनको फॉलो करके आप गेम की टाइम लिमिट से पहले ही गेम को कंप्लीट कर लोगे और आपका गेम प्ले भी बेटर हो जाएगा। और गाइस आने वाले टाइम में चैनल पर गोल्ड टोकन का गिव अवे भी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस टिप नंबर 1 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप रिवर के पास एनिमी से फाइट करते हो तो गाइस आपको फाइट नहीं करनी है, वहाँ आपको पानी के अंदर चले जाना है और वहाँ पर एनिमी आप तक नहीं पहुँच पाएगा और आप उसे नीचे से ही मार पाओगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको इसी तरीके से उसे नीचे से मारना है। ये काफी मजेदार है वैसे। और अब बढ़ते हैं हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। तो गाइस बहुत सारे गेमर्स को एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो वेपन्स को पिक तो कर पा रहे हैं बट जो वेपन डैमेज हो चुका है उसको वो ड्रॉप नहीं कर पा रहे। तो गाइस इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको सिर्फ नीचे दिख रहे वेपन्स के आइकन पर टैप करके होल्ड करके रखना है और आप देख सकते हो वेपन अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। आपको मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। देखो ये वेपन वाले आइकन पर मैंने टैप करके रखा और ये वेपन ड्रॉप हो गया। और गाइस आपको पिक करना तो आता ही होगा, वेपन के बस पास जाना है और वो ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा। टिप नंबर 3, तो गेम में राइट हैंड साइड हमें डिफेंस बटन भी दिया हुआ है प्लेयर को डिफेंस करने के लिए, बट गाइस मेरी मानो तो डिफेंस बटन को आप यूज ना ही करो तो बेटर है, बिकॉज डिफेंस बटन को यूज करने के बाद भी एनिमी हमें डैमेज दे रहा है। आप देख सकते हो कि मैंने डिफेंस बटन को प्रेस किया हुआ है फिर भी मुझे डैमेज आ रहा है। तो गाइस आप अपना सारा फोकस सिर्फ पंच बटन पर रखो, डिफेंस बटन को बिल्कुल भूल जाओ। और अब चलते हैं हम अपने टिप नंबर 4 की तरफ। तो ये भी टिप नंबर 1 की तरह एक ग्लिच है, अगर आप टेंट के अंदर चले जाते हो तो एनिमी आपको अंदर आके नहीं मार पाएगा। ये काफी ज्यादा फनी भी है और उम्मीद है एंकर अपने नेक्स्ट अपडेट में इन सब ग्लिचेस को ठीक करेगी। तो अब चलते हैं हम अपनी लास्ट टिप, टिप नंबर 5 की तरफ। तो गाइस बहुत से लोग चेक पॉइंट कंप्लीट करने के बाद अपने हेल्थ को हील नहीं करते हैं और आगे जाके फाइट लेने लगते हैं और एनिमी उन्हें मार देते हैं। तो अगर आप कोई भी चेक पॉइंट कंप्लीट करते हो तो पहले अपनी हेल्थ चेक करना, अगर आपकी हेल्थ कम है तो पीछे जाकर बोनफायर से अपनी हेल्थ को हील करना, उसके बाद ही आगे फाइट के लिए बढ़ना। गाइस इससे क्या होगा कि आप ज्यादा आगे तक जा पाओगे और जल्दी नहीं मरोगे। तो गाइज ये थी आज की टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और 4G गेम के अलावा आपको और कौन सा गेम पसंद है मुझे वो भी कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली इसी तरह की मजेदार वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।